बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की हवे तो सर्वे में सोप्यू तुझने मूल सनमंद सुदा जोई कहे इंद्रावती मुझ विना तूने यम वस ना करे बीजो कोई तूने यम वस ना करे बीजो कोई मारा वस किधल वाला रे श्री महामती जी के धाम हृदय से प्राणेश्वर अक्षरातीत ने जो कीर्तन ग्रंथ में ये प्रकरण अवतरित किया है हर सुंदर साथ को प्रेम की उस डगर पर चलने के लिए जिस पर चलने वाला यहीं बैठे बैठे परम धाम के आनंद में डूब जाया करता है। इस प्रकरण से पूर्व की चौपाई में पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या कहती है महामती जी की आत्मा हवे तो सर्व में सर्वे सौंपियो तुमने मूल संबंध शुद्ध जोई मुझे मूल संबंध की पहचान आपने की तो मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया और जैसे मैं आपको बस में कर सकती हूँ वैसा बस में कोई भी नहीं कर सकता। बस में करने की बात कब कही जाती है जब प्रेम करने वाला यह अटूट विश्वास रखता है कि अपने प्रेम पर चाहे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए चाहे शरीर नष्ट हो जाए उसका प्रेम अखंडित रहेगा तो जिससे वह प्रेम करता है वह प्रेम सर्वदा ही बना रहेगा। इस प्रकरण का पहला चरण है मारा वश की धल वाला रे मोसो अलगा केम करी था सो। देखने में बहुत सरल सा कीर्तन रखता है लेकिन इसके एक एक चरण में जो गहरे भाव हैं हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए तो हमारे जीवन की दशा बदल जाएगी दिशा भी बदल जाएगी दशा भी बदल जाएगी। आज हम सम सुंदर साथ नवधा भक्ति की नकल करते हैं किसी न किसी रूप में और सभी जानते हैं कि नवधा भक्ति सत्व रजतम के प्रवाह में होती है। सत्व रजतम के प्रवाह में प्रेम नहीं होता है मोह होता है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है जमीन और आकाश का अंतर है। मोह का स्थान कहाँ है जैसे देखेंगे गुरु और शिष्य में स्नेह होता है सत्वगुण की अवस्था में पिता पुत्र में स्नेह होता है भाई भाई में स्नेह होता है रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है तो आसक्ति का रूप लेती है तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है तो गहन मोह अंधकार छा जाता है। जैसे एक शेर एक हिरण के बच्चे को मारकर अपने बच्चे को खिलाए शेरनी का ये काम होता है दूसरे के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे का भरण पोषण ये कब हो रहा है मोह की अवस्था में। प्रेम तो शब्दातीत कहिया जो हुआ ब्रह्म के घर सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर प्रेम कहाँ है निराकार के पार मोह कहाँ है इस त्रिगुणात्मक जगत में किंतु प्रेम की जो छाया है इस संसार में वो मोह कहलाती है। सत्वगुण में जो प्रेम की छाया पड़ेगी उसको हम मोह कहते उसको हम स्नेह कहते हैं। भक्ति में यही प्रवृत्ति होती है। एक बार जानते हैं सूरदास जा रहे थे दोनों आंखों के अंधे हैं ऐसे मार्ग में फंस गए जहां कीचड़ कीचड़ था। अब जो जिसकी आराधना करता है वो तो देख रहा होता है कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। श्री कृष्ण एक सुंदर बालक का रूप धारण कर कीचड़ से बाहर निकालते हैं हाथ के स्पर्श से ही पता चल जाता है सूरदास जी को कि जिसके प्रेम में मैं पल पल डूबा रहता हूँ वही मेरा आराध्य बालक बनकर मुझे इस कीचड़ से निकाल रहा है। सूरदास ने उनके हाथों को जोर से पकड़ लिया लेकिन आप जानते हैं जैसे कीचड़ से बाहर निकले बालक रूप श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा जी अब इधर से चले जाइए रास्ता अच्छा है मैं अब जा रहा हूं मुझे घर जरूरी काम है। सूरदास कहते हैं कि नहीं तुम मुझे छोड़कर मत जाओ।
श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तो अब जाऊंगा, और जबरन बांह छुड़ा करके चले अदृश्य हो जाते हैं। उस समय सूरदास के मुख से क्या शब्द फूटते हैं, कि बांह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानू मैं तो। संस्कृत में इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक की रचना की गई है। हृदयास्यति निर्गस्य पौरुषम गड़यामते, मैं तुम्हारी शक्ति तो तब जानूंगा जब मेरे हृदय से निकल जाओ, ये कौन कहेगा। सूरदास को विश्वास है कि मेरा प्रेम अखंड है, इसलिए मेरे हृदय से मेरा भगवान मेरा आराध्य कभी निकल नहीं सकता। यदि प्रेम में कमी है तभी तो ये भावना होती है कि पता नहीं हमारा इष्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह तो सूरदास की भावना है जो सत्वगुण की अवस्था में अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं। अभी उन्हें त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, परम धाम की ब्रह्मात्माएं परम धाम के प्रेम में डूबी हुई है, महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। अब देखिए, राज्य से जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम कहलाता है। किसी सुंदर साथ से यदि हम आत्मिक लगाव रखते हैं तो वो प्रेम कहलाएगा, किंतु यदि धन के कारण, पद प्रतिष्ठा के कारण, सौंदर्य के कारण या किसी लोभ लालच के कारण लगाव रखते हैं तो वो आसक्ति का रूप ले सकता है, मोह का रूप ले सकता है, स्नेह का रूप ले सकता है, किंतु इसके बिना तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। स्नेह ना हो तो भाई बहन भाई में दुराव रहेगा, गुरु शिष्य में संबंध नहीं रहेगा, पिता पुत्र में संबंध नहीं रहेगा, सारी मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो प्रेम की छाया है, सतोगुण में स्नेह कहलाएगी, रजोगुण में आसक्ति कहलाएगी और तमोगुण में मोह कहलाएगी, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड मोह का ब्रह्मांड बना है। महामती जी की आत्मा राज्य को सीधे चुनौती दे रही है। इस प्रकरण से पूर्व की चौपाई में क्या कहा जा चुका है, हवे में सर्वे सौंपिया तुझने, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, मेरा हृदय आपका है। हृदय आपका होने का तात्पर्य मेरा मन आपका है, मेरी बुद्धि आपकी है, मेरा चित्त आपका है, मेरा कुछ अपना नहीं है। जो सब कुछ सौंप देगा उसका तो अधिकार होता ही है कि मैं अपने प्राणेश्वर को कभी भी अपने से अलग न होने दूं। हम सुंदर साथ डरते रहते हैं कि पता नहीं राज्य हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हमारी मन्नत स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। तो किसी बड़ी हस्ती को पा लेते हैं, कहते हैं कि आप राज्य से मेरी सिफारिश कर देंगे तो आपकी बात सुन ली जाएगी। मंदिर में भी जाएंगे तो सोचते हैं कि पुजारी जी सिफारिश कर देंगे, क्योंकि पुजारी जी 24 घंटे राज्य की पूजा करते हैं तो राज्य इनकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने खुद का समर्पण किया नहीं। इस प्रकरण की चर्चा आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने की होगी जहाँ तक मुझे याद है। आज मन में भावना है कि चलो राज्य की कृपा से पुनः इसकी पुनरावृत्ति करूं। महामती जी की आत्मा राज्य को सीधे चुनौती दे रही है, और आप जानते हैं सटृति में, मैंने परसों भी इस बात को दोहराया था, सटृति में भी कैसी चुनौती है सब सुंदर साथ के लिए, कि इंद्रावती जी की आत्मा कहती कि राजी याद कर लीजिए राज की बात को, आपने मेरे सामने हाथ जोड़ा था तो मैंने आपको छोड़ा था, बार बार मेरे से आप आ रहे हो, मैं वही इंद्रावती हूं, ये कौन दावा करेगा। जिसको विश्वास होगा कि मेरा प्रेम अखंड है और मेरी आत्मा के प्रेम को तो मौत भी नहीं हटा सकती, मौत क्या कर सकती है, शरीर को नष्ट कर सकती है। महामती जी की आत्मा ने भी कई तन धारण किए होंगे, क्योंकि 1638 में श्री देवचंद जी का तन प्रकट होता है। परम धाम की सभी आत्माएं तभी अवतरित होती है, इसका तात्पर्य जो पहला तन था महामती जी की आत्मा ने, इंद्रावती की आत्मा ने धारण करके छोड़ दिया होगा, और तब दूसरा तन 1675 में धारण किया होगा। हम सुंदर साथ आज तक न जाने कितने तनों को बदलते रहे होंगे, हमारी आत्मा ने बदला होगा, क्योंकि आत्मा गर्भ में नहीं जाती, वो किसी न किसी तन पर विराजमान होकर माया के खेल को देखती है। पर आत्मा अखंड है तो आत्मा भी अखंड है, परात्म का दिल ही तो यहाँ आत्मा के रूप में लीला कर रहा है। यदि परात्म राज्य का स्वरूप है तो आत्मा के अंदर जो प्रेम होगा वो भी अखंड होगा,
आवश्यकता यह है कि स्वयं को हम आत्मा के स्वरूप में देखें, संसार के सत्व रजतम के बंधन में किसी वस्तु को न देखें। महामती जी की आत्मा कह रही है, मारा बस की धल वाला रे मुसु अलगा केम करी था सो, आप तो मेरे बस में हो, आपकी शक्ति है तो मेरे से अलग होकर दिखा दो। ये कौन कहेगा? आप देखिए, संसारिक दृष्टि देखा जाए तो हम नारायण की शक्ति के सामने भी कुछ नहीं ठहरते। नारायण तो क्या, इस देश के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के सामने भी हमारी कोई शक्ति नहीं। नारायण ने तो असंख्य सूरज चांद सितारे बनाए हैं, हम तो धूल का एक कण भी नहीं बना सकते हैं। अक्षर के आदेश से अनंत सृष्टि पैदा हो रही है, हम कुछ भी किसी प्राणी को न जीवित रखने की सामर्थ्य रखते हैं न मारने की सामर्थ्य रखते हैं। हम किसी को एक डंडा भी मार देंगे तो जेल जाना पड़ेगा, भले ही हमारे तन में परमधाम की आत्मा है तो क्या। लेकिन जहाँ प्रेम की बात होती है, मूल संबंध की बात होती है, हम प्रेम के बल पर अक्षर के भी प्रियतम, नारायण के भी प्रियतम अक्षर हैं, और अक्षर के भी प्रियतम प्राणनाथ कौन है? राज्य। हम राज्य को कहते हैं कि राज्य जी हाँ तिहाँ तमें आओ। अभी आप सुनेंगे, मारा वस की धल वाला रे मुसु अलगा केम करिता सो, आपकी शक्ति है क्या मेरे से अलग हो जाने की? क्यों? निस्बत को तोड़ने का अधिकार आपके पास नहीं है, वहदत को समाप्त करने का अधिकार आपके पास नहीं है, इश्क भी अखंड है इश्क को नष्ट करने का अधिकार आपके पास भी नहीं है। इसलिए मूल संबंध से जो हम चाहेंगे वही आपको करना होगा। क्यों? आपका प्रेम तो तभी बड़ा कहलाएगा, आशिक तो वही है जो मासूक की हर इच्छा को पूरी करे, और परम धाम में जो हमारी इच्छा होती है वो आपको करना पड़ता है, आप विवश हैं। इसलिए आप हमारे अधीन परम धाम में भी रहे हैं, यहाँ भी जो हम चाहेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका प्रेम छोटा हो जाएगा। हम याद करें या ना करें, हर पल आपको हमें देखना पड़ेगा। देखिए, परम धाम में राज्य ने मूल तनों को अपने चरण में बैठा रखा है, एकटक देखते रहते हैं, वो भी असहाय बने हुए हैं। हम असहाय नहीं है यहाँ, हमें वाणी का प्रकाश उनको देना पड़ा है। हम वाणी का प्रकाश देकर चितवनी से राज्य से बातें भी कर सकते हैं। राज्य सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारे मूल तनों से बातें करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मनमानी होने की चले गए। शक्तिमान होने का अर्थ यह नहीं है कि सारी मर्यादाओं को तोड़ सकते हैं। ये प्रेम की भाषा है, यहाँ ज्ञान की भाषा नहीं चल रही है। आप अपने को असहाय क्यों समझते हैं? क्योंकि आपने इस मिट्टी के तन को देखते हैं। जिस दिन मिट्टी के तन को देखना आप बंद कर देंगे, अपने परात्म के श्रृंगार में आप बातें करेंगे, तो किरणतन के ये भाव आएंगे कि महारा वस की धल वाला रे मोसु अलका केम करिता सो। उस समय नारियल लेकर अब मन्नत मांगने के लिए भिखारियों की पंक्ति में नहीं खड़े रहेंगे। हमें अपने गौरव का आभास ही नहीं है, तभी तो कहते हैं कि हे राज्य, मैं 5 बार नहीं 12 बार पाठ कर दूंगा मेहर सागर का, हमारी एक बात मान लीजिए, 1 करोड़ का लाभ करा दीजिए, फिर आपको जो कहेंगे मैं कुछ कर दूंगा, कुछ और चढ़ावा दे दूंगा। एक व्यापार, समर्पण नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, ईमान नहीं, विश्वास नहीं, हम तो प्रेम की बिक्री कर देते हैं, वह प्रेम जो हमें प्राणों से प्यारा होना चाहिए, लेकिन प्रेम को हम तुक समझते हैं। परम धाम से प्रेम निकाल दीजिए, क्या बचेगा? एक कहावत कही जाती है, बिन ईमान सो हैवान। यदि हमारे पास ईमान नहीं है तो हमारे और पशु में क्या अंतर है? हमारी शक्ति क्या है? अटूट ईमान, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण यदि हमारे पास है तो प्रेम तो हमारे हृदय में रहेगा ही। मासूक हंस कर तब मिले जब हके दिया इश्क, और यदि वाणी का प्रकाश हमारे हृदय में है, ये वाणी सुनते जिसको आवेश न आयांग, सोने ही नेचे वासना तक करू जी भेले संग। इस ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता है, समझना चाहिए कि वो ब्रह्मात्मा ही नहीं, वो कोरा कोरा जीव। और यदि ब्रह्मवाणी का हम चिंतन करते हैं, सागर श्रृंगार की गहराइयों में डूबने का प्रयास करते हैं, तो एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, कुछ क्षणों के लिए हृदय में तो हमारे प्रेम का स्मरण होना चाहिए। एक छोटी सी चिंगारी ज्वाला बन जाती है,
एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को जुबो सकता है। जब एक छोटी सी चिंगारी ज्वाला बनने का अधिकार रखती है, हमारे हृदय में जब प्रेम का बीज अंकुरित हो जाएगा, जैसे जैसे हमारी चितवनी गहराती जाएगी, वैसे वैसे हमारे हृदय में प्रेम का सरोवर पहले बनेगा, सरिता प्रवाहित होगी और बाद में मेहर ओ सागर का रूप ले लेगी। तभी तो सागर ग्रंथ में क्या कहा है, दिल मोमिन मेहर सागर। हमारे लिए राज्य ने क्या कहा है, निस्बत के सागर की अंतिम चौपाई क्या कहती है, श्री महामत कह ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। निस्बत इश्क सागर, निस्बत का स्वरूप क्या है, इश्क का सागर है। हमारे परात्म के तन क्या है, इश्क के सागर है। तो हमारी आत्मा में प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अपने हृदय में बैठे प्रेम को नहीं देख रही है। जीव के अंदर जो मोह है, राग है, द्वेष है, घृणा है, माया की तृष्णाओं के विकार हैं, उनको देखकर उस पर आकर्षित हुई जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में 1,00,000 रुपये लेकर भूल जाए और सबसे भीख मांगता रहे कि मेरे पास रुपये नहीं है, भोजन करा दो, तो उस रुपये का दोष नहीं है, दोष उसकी मति का है कि अपने हृदय में बैठे हुए खजाने को भूला बैठा है। जैसे कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जल बीच मीन प्यासी, जल में रहने वाली मछली प्यासी है, वैसे निस्बत के जो इश्क के सागर हैं, आज क्या कह रहे हैं, सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप हांसी करे सो। हम रो रो कर इश्क मांगते हैं, राजी इसको दे दो तो हम आपका दर्शन कर लेंगे, राजी इश्क दे दो तो हम जाग जाएंगे। क्यों, हमें मांगना कैसे है ये भी नहीं पता, हम तो सब कुछ भूल गए हैं, अपने प्राणेश्वर को भूल चुके हैं कि वो हमारा हृदयेश्वर है, हमने उसको देवता बना लिया है। मत्था टेकते हैं, कान पकड़ते हैं, बार बार मन्नत मांगते हैं, क्यों, जैसे देवी देवताओं के आगे डरते डरते कांपते कांपते जाया जाता है, हम भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा प्रेम की भाषा नहीं है। प्रतिबिंब की गोपियों से हमें कुछ सीखना चाहिए, परमधाम की गोपियों को की बात छोड़िए जो ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक रही थी। जब प्रतिबिंब की गोपियों के पास उद्धव संदेशा लेकर आते हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, तो उस पत्र को सब अपना हिस्सा मांगने के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर डालती है। उनको लगता है कि मैं तो किसी पागलखाने में आ गया हूं, ये गोपियां इंसान है पागल है, पत्र में क्या लिखा है इनको इससे मतलब नहीं, इनको लगता है कि मेरे कृष्ण ने क्या भेजा है, टुकड़ा मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। ये प्रेम की भाषा है, क्योंकि जहां प्रेम स्यानप ज्ञान असत, प्रेम की का हृदय अलग होता है, स्यानप चतुराई का जो हृदय कुछ और होता है। यहां महामती जी की आत्मा अपने हृदय के दिव्य प्रेम से, प्रेम का अर्थ मैं क्या कर रहा हूं, दिव्य प्रेम, वह प्रेम जिसमें कोई चाहत ना रह जाए, आपके सामने राजी आ जाए तो क्या मांगेंगे आप यही कहेंगे ना कि हमको भी महामती जी जैसी शोभा दे दीजिए, हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, हमको राज्य बना दीजिए, चाहे कुछ भी मांग सकते हैं। प्रेम कहता है कि मांगना कुछ नहीं है, प्रेम तो देना जानता है, प्रेम कभी भिक्षुक नहीं होता है। पहले इंद्रावती जी ने क्या कह दिया है, हवे मैं शरणे सौंप्या तुमने, मैंने सब कुछ सौंप दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपा दे रही, तुम भी राख्या जी बलते आप खड़ी खड़ी करी कुछ कारज अपने पे, मुझे जागने नहीं करनी है, मुझे अक्षरातीत नहीं कहलाना है, मेरे तन से वाणी अवतरित मत करवाओ, लेकिन मेरे बस में रहो। ये प्रेम की भाषा है। हम थोड़ी सी बंदगी कर लेते हैं तो राजी से चिट्ठी लिख देते हैं, लिस्ट बना देते हैं मांगों की, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का तत्पर अपना हृदय दे दिया, कोई चाहत नहीं कि उसके बदले कुछ मिले, इसलिए कह रहे हैं, हो तो ये भी नहीं रे सोहाली। क्या महामती जी की आत्मा कह रहे हैं कि मैं इतनी सीधी नहीं हूं कि आप मुझे टटका दोगे, हूं तो ये भी नहीं रे सोहाली, जी बचनिए बहासो, आप अपनी बातों के जाल में मुझे बहकाओ नहीं। बातों का जाल क्या है, पहला तर्क ये होता है,
कि माया का तन है, माया के तन में राजी को देखा नहीं जा सकता। कहाँ अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान राजी को देखते ही हम तो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बातों का जाल है, कल्पनाओं की उड़ान है। दूसरी बात कही जाती है कि जब परमधाम से आए हैं तो राजी ले चलेंगे, परेशान होने की क्या जरूरत है। इसलिए परमधाम में तो देख लेंगे, परमधाम में सब कुछ कर लेंगे, अभी शांति से खाओ पियो। सब सुंदर साथ के मन में ऐसी ही धारणा रहती है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, हूं तो एवी नहीं रे सुहाली जो बचनीय बास हो। राजी मुझे पहचानिए, मैं वही इंद्रावती हूं। एक बार नहीं, राज की रामतों को पड़ गया, हमेशा राज्य की हार होती है। एक बार इंद्रावती श्यामा जी के पैरों से निकल जाती है नीचे से और कहती है कि राजी आप निकल कर दिखाओ तो आप जीतेंगे, नहीं तो हार है, राज्य निकले कैसे। परमधाम में तो निकल सकते हैं लेकिन योगमाया के ब्रह्मांड में तो कुछ अभी वहदत नहीं है, इसलिए वहां निकलना संभव नहीं। इंद्रावती के लिए श्यामा जी के चरणों के नीचे से निकलना सरल है, राज्य के लिए तो कठिन है। सर्वशक्तिमान भी यहां सहाय हो जाता है। ये ऐसी भाषा है जिसमें हृदय का प्रेम पुकार रहा है, सत्ता नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के सचिव हैं, कलेक्टर हैं, कोई भी कमिश्नर हैं, कुछ भी हैं। आपके जो कार्यालय का कर्मचारी होगा आपके कक्ष में जब प्रवेश करेगा तो डरते डरते कि साहब की बिरकुटी टेढ़ी ना हो जाए, लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तो आपका पोता धूल में खिला रहेगा, दौड़ते दौड़ते आपकी गोद में चढ़ जाएगा। उसको भय नहीं है कि मेरे दादाजी के कपड़े गंदे होंगे, क्योंकि वो उसको अधिकार लगता है कि मेरा गोद में बैठना जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो अधिकारी महोदय भी क्या करेंगे, अपने पोते को चांटा मारने का अधिकार नहीं रख सकते हैं। कर्मचारी को बाहर निकाल सकते हैं, फटकार सकते हैं, लेकिन 4 साल के पोते को न चांटा मार सकते हैं, न गोद से उठाकर फेंक सकते हैं। कपड़े भी गंदे हो जाएं तो दूसरों को तो डांट देंगे लेकिन अपने पोते को नहीं डांट सकते। ये है निस्बत का अधिकार। माया के रिश्तों में ऐसा देखने को मिलता है। वैसे ही यदि हम निस्बत के संबंध को पहचान लेंगे, जित निस्बत तित सब, ए हो न बिना निस्बत दिए इथि हुई वैदत, निस्बत वहदत की तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। इस चौपाई ने बहुत कुछ कह दिया। निस्बत है तो वहदत है, जहां निस्बत होगी वहां वहदत होगी। जहां आत्मा है वही तो प्रीतम के चरण कमल होंगे। निस्बत है तो वहदत है, वहदत है तो खिलवत है। हम सुंदर साथ अपनी आत्मा के स्वरूप को यदि पहचान लेंगे तो परात्म के स्वरूप को भी पहचान लेंगे। देखिए यहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई झूठ बोलता, कोई पढ़ने में बहुत कमजोर है, कोई समाज का उपेक्षित व्यक्ति है। जब हम अपनी इस दीनहीन दशा को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, पता नहीं हमारे अंदर परम धाम की आत्मा होगी कि नहीं होगी। जब हम अपने विकारों को देखते हैं तो लगता है कि जब बड़े बड़े ऋषियों को यदि अक्षर का दीदार नहीं हो सकता तो हम जैसे बुरे कर्म करने वाले को राज्य का दर्शन कैसे हो सकेगा। यहाँ हम टूट जाते हैं क्योंकि हमने किसको देखा, अपने जीव के विकारों को देखा। जीव के ऊपर बैठकर आत्मा जिस खेल को देख रही है, आत्मा तो इन सारे विकारों से परे है। इसलिए क्या कहा है राज्य ने, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म। जो हमारे मूल स्वरूप है परात्म है, परात्म का श्रृंगार सचकर ही चित्वनी होगी। इस मिट्टी के तन को लेकर के आप चलेंगे तो निराकार से आगे कभी नहीं जा सकते, योग माया में भी नहीं जा सकते, परम धाम तो दूर की बात है। इसलिए जो भी सुंदर साथ चित्वनी करते हैं या राज्य का चिंतन करते हैं, परात्म के श्रृंगार से करें। अपने इस मिट्टी के तन को हमेशा भुलाए रखें, जब राज्य के भाव में डूबना है तो उस भाव से आप अपने को देखिए तो परम धाम का अधिकार आपको मिलेगा, निस्बत का अधिकार आपको मिलेगा।
जब निस्बत का अधिकार मिल गया तो वाहिदत की रसधारा आपको मिलेगी, खिलवत की रसधारा आपको मिलेगी। जिसके हृदय में वाहिदत क्रीड़ा कर रहा हो, निस्बत का संबंध हो, तो खिलवत हो गई, 25 पक्ष उसके दिल में हो गए, फिर उसकी आत्मा के जागृत होने में क्या संशय रह गया। वह यही बैठे बैठे परम धाम के सभी रसों का सुख पार कर सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, क्या करना होगा? परात्म के भावों में भावित होना होगा, शरीर भाव से, जीव भाव से ऊपर उठना होगा। यहाँ देखिए, हम सुंदर साथ इतनी वाणी भले ही पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा न शरीर भाव जाता है, न जीव भाव जाता है, न प्रांतवाद जाता है, न जातिवाद जाता है, न छोटे और बड़े का भाव जाता है, न ऊंच नीच जाता है, न गरीब अमीर जाता है। हम तो संसार के भाव में खोए हुए हैं। हमसे अच्छे तो जिनको हम स्वप्न की बुद्धि वाला कहते हैं, उन वेदों की तरफ आप कदम बढ़ाएं। वेद क्या कहते हैं? तत्र काम का शोका यो एकत्वम अनुपस्यत। जो सबके अंदर एक चेतना को देख रहा है, उसके लिए मोह और शोक नहीं होता। मोह और शोक किसको होगा? जो शरीर को देखता है, शरीर में विद्यमान जीव के अंतःकरण पर जिसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि में कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है। महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व घोषणा की थी, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि उस पापी के अंदर वही चैतन्य है जो एक पुण्यात्मा के अंदर भी चैतन्य होता है। उसी तरह से जिस दिन हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी, हम सुंदर साथ स्वयं को पाप और पुण्य की परिधि से ऊपर मानेंगे, और उस भाव में परात्म के श्रृंगार में जैसे ही राज्य को प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, राज्य की शोभा हमारे हृदय में झलकने लगेगी। यदि आपके मन में संसार की कोई कामना है, तभी तो आप डरेंगे कि राज्य आपसे अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि महारा बस की धल वाला रे मोसू अलगा केम करी थासो, ये किस आधार पर कहा जा सकता है? यदि हमने समझ लिया कि हम शरीर नहीं है, हम अंतःकरण नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम जीव नहीं है, मेरी जो आत्मा है परात्म का श्रृंगार लेकर के बैठी है, और जो मेरी परात्म है राज्य का साक्षात तन है, हम राज्य के अंग हैं, हम राज्य के प्राणेश्वरी हैं, राज्य हमारे प्राणेश्वर हैं, वे हमारे हृदयेश्वर हैं, तो हम उनके हृदयेश्वरी हैं। सागर से लहरें पृथक कभी नहीं हो सकती, तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं है जो हमसे अलग हो जाए। अलगाव का भाव कब होता है? जब निस्बत का बोध नहीं होता तो अलगाव का भाव होता है। ब्रज में सभी निद्रा में थे, इसलिए किसी को पहचान नहीं थी कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उससे हमारा संबंध क्या है। रास में संबंध का तो पता चल गया था, घर का पता नहीं था, इसलिए आधी निद्रा थी आधी जागृत थी। देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में सभी आड़िका लीला में इतने फंस गए कि निस्बंध को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। सबने क्या समझा? कि सतगुरु महाराज का अंतर्धान हो गया तो अब राज्य हमारे परम धाम चले गए या इस गादी में आकर के बैठ गए। परम धाम की वाणी अवतरित होती है, वो हमें निस्बत की पहचान कराती है कि निस्बत अखंड है, निस्बत का प्रेम अखंड है, निस्बत का आनंद अखंड है, निस्बत का स्वरूप अखंड है। और तभी तो ये बात कही जाती है, संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। उस मूल संबंध को एक पल के चौथाई भाग के बराबर भी न तो हमें भूलना है और न छोड़ना है। उस संबंध से हम देखेंगे तो राज्य को भी अधिकार नहीं कि हमसे अलग हो जाए। उस संबंध को भुलाते ही हम क्या होंगे? असहाय हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने कर्मों की तरफ देखेंगे तो अपने कर्मों से तो आप सब जानते हैं, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को यदि स्वर्ग में भी कुछ समय का नरक का सुख भोग करके जाने को मिलता है, वैकुंठ भी नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है, तो यहाँ जितने हम सुंदर साथ बैठे हैं युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी नहीं है, हम धर्मराज के स्वरूप नहीं है, उनको भी वैकुंठ नहीं मिलता है, तो हमको तो परम धाम कहाँ से मिल पाएगा। लेकिन हमारे पास एक वस्तु है जो धर्मराज के पास नहीं थी, हमारे पास निस्बत का संबंध है, तारतम ज्ञान का प्रकाश है, हमें बोध है कि जो हमारा प्रीतम है, जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, सकल गुण निधान कहते हैं, उसकी हम प्राणेश्वरी है।
वो अखिलेश्वर है तो हम अखिलेश्वरी हैं, वो रस का सागर है तो उसके रस की सागर रूप लहरें हम हैं, हमारे बिना तो वो भी निष्क्रिय हो जाएगा। अब देखिए परमधाम की आत्माओं की सुरता यहाँ आई हुई है, जब तक यहाँ रहेगी राज्य बेचारे सिंहासन पर बैठे बैठे टकटकी लगाकर तनों को देखते रहेंगे, कोई लीला नहीं कर सकते, उनकी भी सामर्थ्य नहीं है। जब तक परात्म में सुरता नहीं जाएगी लीला कहाँ से होगी। राज्य ने जो संविधान बनाया है उसको तोड़ने का अधिकार तो उनके पास भी नहीं है, इसलिए कह रही है महामती जी की आत्मा आप तो मेरे बस में हो गए हो, मैं इतनी सीधी नहीं हूँ जो आप कहना चाहते हो किस माया के संसार में मुझसे मिला नहीं जा सकता। ए तो नहीं अटकल नी ओलखण, मैंने जो आपकी पहचान की है अनुमान से नहीं की है। जैसे सुंदर साहब क्या करते हैं, कीर्तन में एक चौपाई आती है, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर काफी, उस प्रकरण में बार बार कहा गया ये भी लगे दुख दे। महामती जी की आत्मा कहती है कि मैंने अनुमान से आपको प्रीतम नहीं बनाया है, मेरा हृदय गवाही देता है कि आप कौन है, मेरे सर्वस्व हैं। देखिए पूज्य तो कोई भी हो सकता है, आदरणीय कोई भी हो सकता है, शक्तिमान कोई भी हो सकता है, सर्वस्व नहीं हो सकता। सर्वस्व कौन होगा, जो हमारी आत्मा के प्रीतम है। आप तो सब बन सकते हैं, किसी को तू नहीं कहा जा सकता, जिसको तू कहा जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि उससे अधिक प्रिय कोई है ही नहीं। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजी मैंने दूसरों की देखा देखी आपको अपना सर्वस्व नहीं बनाया है, आपको अपना प्राणेश्वर नहीं बनाया है, बनाया नहीं है, आप तो अनादि काल से मेरे प्राणेश्वर हैं ही। एक भजन बना था बहुत पहले, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल नहीं थे कदरदानी आपकी। ये भजन बनाने वाले सुंदर साथ इनका आध्यात्मिक स्तर तो होता नहीं, फिल्मी धुनों को सुन करके शब्द बदल देते हैं, ये नहीं सोचते कि उनके उल्टे सीधे भजनों से कितना अनर्थ होता है। हम तो इस काबिल नहीं थे कदरदानी आपकी, ये कौन कहेगा, जीवी तो कहेगा। तो इसका तात्पर्य क्या है, हम जो राज्य के चरणों में आए हैं अपने अधिकार से आए हैं, उन्होंने कोई कृपा नहीं की है, वो तो उनका कर्तव्य है करना पड़ेगा। छत्रसाल जी ने क्या कहा था, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। छत्रसाल जी नहीं गए, अक्षरातीत को चल करके आना पड़ता है वन वन में खोजते हुए कि मेरी शाकुंडल की आत्मा कहाँ है। तभी तो शाकुंडल ने क्या कहा था, छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर बर अनते जान न देऊं, राखो मैं रसिक रमाए आप भी सब बात सुख लू, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। छत्रसाल एक पल भी अपने आराध्य को छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि उनका आराध्य उनको खोजते खोजते आया है, उनको खोजते खोजते नहीं हर परमात्मा के लिए वह अक्षरातीत हर पल खोज रहा है। किसी भी परमात्मा से जागनी हुई है, आप देखेंगे मलिहाबाद वाले जो मुकुंद दास जी हैं उनको भी निर्देश मिला था, बाबा दयाराम को निर्देश मिला था, महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, उनकी दिव्य दृष्टि हर आत्मा पर है कि किस क्षेत्र में कहाँ कौन सी आत्मा है, उस क्षेत्र की आत्मा को कैसे जगाना है, सारी लीला वो ही कर रहे हैं। छठे दिन की लीला में परात्माओं को केवल शोभा दी जा रही है, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ग्वारपालों को कहा कि सारे डंडे लगाओ अकेले मेरे से नहीं उठेगा, इसलिए छठे दिन की लीला में सारा कार्य वो करते हैं। और सुंदर साथ को कहते हैं कि देखिए इस परमहंस ने इतनी जागनी कर ली, इस परमहंस ने ये कर लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। मूल स्वरूप का आवेश देवचंद जी के तन में लीला कर रहा है, तैसा इत होता गया जैस जो हजूर हुकम करे। मूल स्वरूप जैसा दिल में ले रहे हैं यहाँ के तन वैसा कार्य करते जा रहे हैं। हम सबको बताते फिरते हैं, आपको पता है मैंने ये कर दिया मैंने ये कर दिया, ये बताइए यदि हनुमान जी को कहा नहीं जाता कि हनुमान जी लंका लांग जाओ समुद्र लांग जाओ, तो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं लंका भी लांग सकता हूँ।
बल देने वाला कौन है? वो तो बैठा हुआ है और उसको विश्वास है, अंगूठी देता है कि हनुमान तुम ले जाओ, तुम ही जा सकते हो। हनुमान जी अहंकार से नहीं गए, उनको विश्वास था कि जो मेरे आराध्य हैं उनकी शक्ति में शेष में समुद्र को लांग जाऊंगा। बल बल में अंगद कम नहीं थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, भक्ति का बल नहीं था। आपको भी विश्वास करना होगा कि मेरा जो प्राणेश्वर है मुझे एक पल के लिए भी छोड़ने की शक्ति नहीं रखता है, क्योंकि मेरे बिना वह नहीं है, उसके बिना मैं नहीं हूं। और जब यह पता चल जाएगा आपको तो रात्रि में आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा दिन कोई नहीं रहेगा जिस दिन आपने उनको अपने हृदय मंदिर के सिंहासन पर विराजमान करके देखा ना हो। अभी तो आप कह देते हैं कि अभी काम का बोझ है, कर लेंगे चितवनी, बाद में क्या आफत आ रही है। लेकिन ये बताइए, आप यदि 5 मिनट या 2 मिनट आपको ऑक्सीजन न मिल पाए तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? आशिक इन चरण के, आशिक के रो चरण, ये जुदा की क्यों सहे मासूक बिना अपने तम। आशिक के रो चरण, ब्रह्म सृष्टि जो आशिक है उसकी रूह क्या है? धनी के चरण कमल ही तो उसके उसके लिए जीवन के आधार है। जो ब्रह्मात्मा यदि 24 घंटे में अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके जी भर कर देख नहीं लेती, तब तक उसको उठना बैठना सब कुछ फीका लगता है। रतन जड़ित जो मंदिर से उठ उठ खाने धाए, उसको हीरे मोती के मलने चाहिए, उसको तो उसके प्रीतम की एक झलक चाहिए। खाना दीदार इनका या सो दे जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की दिन से मीटत प्यास। खाना दीदार इनका, राजी का दीदार ही जिनका भोजन है, या सो जीवे लेवे श्वास, उस दीदार से ही इस संसार में रह रही है, अन्यथा उनके शरीर इस संसार को छोड़ देंगे। हमारा हृदय कितना निष्ठुर है, न जाने हमारे जीवन के कितने बसंत बीत जाते हैं, रातें गुजर जाती हैं। अभी शरद ऋतु आने वाली है, कुछ समय के बाद ठंडक पड़ने लगेगी। अभी तो आप कहें बहाना करेंगे कि चितवनी में बैठते हैं क्या करें, लाइट नहीं आती, पसीना होता है, इसलिए ठंडक में करेंगे। हर वर्ष शीतल हवा के झोंके लेकर शरद ऋतु आती है, बीत जाती है, लेकिन हमारा आलस्य प्रमाद हमें अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डूबने नहीं देता, क्योंकि हमने तो अपना हृदय संसार को देख रखा है, अपने हृदयेश्वर को भुला दिया है और नकली हृदयेश्वर बना लिए हैं। तो परिणाम क्या होगा? ये संसार हमें बहुत मीठा लगता है, ये माया हमें बहुत अच्छी लगती है, माया के वैभव विलासी लगता है कि यही हमारे जीवन के आधार हैं। नक्ष से सिक तक अक्षरातीत की जो शोभा है वो हमें उतना आकर्षण का केंद्र नहीं बन पा रही है जितने के लिए हमारे मन में संसार का आकर्षण। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य, क्योंकि इस प्रकरण में आगे आएगा, प्रेम विनोद विलास माया माए सुफल फेरू हिम की जो, मैं तो आपसे प्रेम भी करूंगी, हंसी भी करूंगी, प्रेम का आनंद भी लूंगी, मैं आपकी बातों में भागने वाली नहीं हूँ। तो ये भी नहीं ले सुहारे जे बचनिए तमें बहसो, मुझे बहका नहीं पाओगे आप संसार के लोगों को बहका सकते हो कि संसार में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आप किसी विद्वान से पूछिए, क्या तुमने परमात्मा को देखा है? विवेकानंद जी क्या करते थे, जो साधु महात्मा ध्यान में बैठे हैं, जाकर सिर को हिलाकर नटखट स्वभाव के थे, पूछते हैं क्या आप आंख बंद कर क्या कर रहे थे? कहते हैं कि हम परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। दिखाई दिया है आपको? अब वो क्या बोले, कौन दावे से कह सकता है कि मैंने देखा है? केवल रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ मैंने देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं वैसे मैं भी परमात्मा को देख रहा हूं। ये ठीक है, उन्होंने नारायण को ही देखा है, लेकिन विवेकानंद को पहली बार कोई ऐसा मिला जो दावे से करे कि हाँ मैंने वैसे ही देखा जैसे तुमको देख रहा हूं। आपका आराध्य कहीं दूर नहीं है, सहारक से नजदीक है, आपको विश्वास ही नहीं है। इसलिए
हम सुंदर साथ को प्रेम के पवित्र रास्ते पर ले चलने के लिए ये प्रकरण उतरा है और महामती जी ने कहा है ताकि हम भी महात्मा महामती जी के दर्शाए हुए पद चिन्हों पर चल सकें और दावा कर सकें कि हम परमधाम की ब्रह्मात्मा है। हम यहीं बैठे बैठे राज्य को पा सकते हैं क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, किसी पर्वत पर नहीं बैठा है। लीला रूप में राजी महामती के जी के धाम हृदय में बैठे हैं, लेकिन मार्फत के दृष्टि से हर आत्मा के धाम हृदय में बैठे हैं। जहाँ निस्बत का संबंध है वहाँ हर आत्मा को अधिकार है कि वो चितवनी करे और मार्फत से हकीकत में परिवर्तित हो जाए। जो राजी हमारी सारक से नजदीक है तो दीदार क्यों नहीं देते? आपके मन में संशय हो सकता है। यदि सभी के अंदर राज्य हैं तो सभी को महामती बन जाना चाहिए। आप इसका उत्तर समझिए। महामती जी के धाम हृदय में जो राज्य विराजमान होकर लीला कर रहे हैं वो हकीकत में है। मूल संबंध के कारण, निस्बत के कारण, मार्फत के दृष्टि सभी के हृदय में राज्य है, लेकिन लीला रूप में क्रियान्वित करने के लिए आपको राज्य का दीदार करना पड़ेगा। आत्मा के चक्षुओं से जब आप देखेंगे तब आप कह सकते हैं कि हमारे दिल में राज्य रहते हैं। जैसे हमको खेल दिखावन काज हमसो आगो आए श्री राज। जब तक राज्य इस खेल में नहीं आएंगे तब तक किसी रूह की सुरता भी नहीं आ सकती। तो प्रश्न यह है, 16 वर्ष की उम्र में देवचंद जी घर छोड़कर के निकलते हैं क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में उनके मन में आता है कि मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा पड़ताल। 16 वर्ष की अवस्था में बारात के पीछे पीछे चल देते हैं और पठान के भेष में राज्य दर्शन देते हैं। तो प्रश्न यह है कि 16 वर्षों तक राज्य क्या करते रहे और पठान के भेष में दर्शन देकर के कहां चले गए? तो क्या श्यामा जी के अंदर राज्य नहीं थे? राज्य श्यामा जी के अंदर ही थे लेकिन मार्फत के दृष्टि। इसी तरह से 1712 में सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी का अंतर्धान हो जाता है। 1715 में हफ्से में मीराज पहुंचते हैं, विरह में तड़पते हैं, राज्य का वह प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तब हम कहते हैं कि मेहदी हादी इमाम, वहां से कहा जाता है कि यह राज्य है, इसके पहले मीराज है। तो प्रश्न यह होता है कि 1712 से लेकर 1715 तक राज्य कहां थे? क्या परमधाम में आराम करने चले गए थे? थे तो मिहराज के अंदर ही लेकिन आवरण पड़ा हुआ है निद्रा का। मार्फत के दृष्टि से मिहराज के अंदर भी हैं, श्यामा जी के अंदर भी हैं, हमारे और आपके अंदर भी हैं, लेकिन उसको जब तक आप हकीकत में परिवर्तित नहीं करेंगे। हकीकत का अर्थ क्या होता है? यथार्थता। प्रत्यक्ष रूप में जब तक आत्म चक्षुओं से देखेंगे नहीं तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने राज्य को देखा है और हमारे दिल में राज्य बसते हैं। इसलिए निस्बत के संबंध से, मार्फत के दृष्टि से राज्य हैं। आपको मैं एक संसारिक दृष्टांत से समझा देता हूं। पानी है, पानी को गर्म कीजिए, पानी भाप में बदल जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में उड़ जाता है। आप क्या कहेंगे? पानी तो खत्म हो गया। पानी खत्म नहीं हुआ, पानी भाप में बदल गया, वो दिख नहीं रहा है। आप खुले आकाश में पानी बरसने लगा तो जो मार्फत था बरसने लगा, आंखें देख रही हैं तो कह रहे हैं आप कि पानी बरस रहा है, देखो मेरे बर्तन में पानी आ गया है। जब गर्म किया गया तो हकीकत मार्फत में बदल गया, मार्फत की पहचान नहीं है तो आप कह रहे हैं कि पानी है ही नहीं। आकाश में पानी है लेकिन वो मार्फत में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब बदलेगा आंख बरसे वर्षा के रूप में तो कहेंगे कि हाँ पानी बरस रहा है, पानी है। वैसे ही आत्मा की दृष्टि जीव पर है, वह जीव भाव में को प्राप्त हो गई है, जीव की लीला को देखते देखते, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि मेरी आत्मा के हृदय में राज्य है। वाणी हमें झकझोरती है, इसलिए वाणी में हर जगह पाएंगे हक नजीक सहरक से आड़ो पटने द्वार। सहारक की बात जगह जगह कही गई है। संसार
के ग्रंथों में भी कही गई है। इस तरह सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठत अर्जुन का उद्घोष आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने कर दिया था। गीता को पढ़ने वाले करोड़ों भारतीय हैं, लेकिन वो शालिग्राम पर सिर पटकते हैं, शिवलिंग पर सिर पटकते हैं, वृक्षों पर सिर पटकते हैं, नदियों के आगे सिर पटकते हैं। उनको पता ही नहीं कि कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे हृदय मंदिर में मैं। याज्ञवल्क ने जनक की सभा में कहा था मैत्रेय ये गार्गी से कि यो आत्मनिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस आत्मा श्रीराम, जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है किंतु आत्मा को उसका बोध नहीं है। ऋषियों ने घोषणा की, लेकिन आज हिंदू समाज उन कथनों को नहीं मानता। पूछिए परमात्मा कहाँ है, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो मार्फत के दृश्य स्वरूप है उसकी व्याख्या कैसे करेगा। संसार तो भटकाव में था, इतने वर्षों के बाद हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों से हम प्रणामी होते हैं, सुंदर साथ कहलाते हैं, हमारी उम्र कितनी गुजर गई होती है। क्या हमको विश्वास होता है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में रची है? हमको तो ये भी विश्वास नहीं होता है कि हम परमात्मा है। इसलिए यदि आपके पास अटूट विश्वास है, अटूट समर्पण है, अटूट आस्था है, तो आपके लिए रांची एक पल भी न कभी दूर थे, न है, न कभी होंगे। ब्रज में देखिए सबके साथ रांची लीला कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। रास में भी लीला हो रही है, रांची का आवेश स्वरूप श्यामा जी के अंदर विराजमान होता है, न श्यामा जी को दिखाई दे रहे हैं, न सखियों को दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण का तन वही होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी तरह से यदि हम परात्म का श्रृंगार सजकर निस्बत के अधिकार से परात्म के भाव में डूबकर राज्य को पुकारेंगे, तो राज्य हर पल हमारे साथ नजर आएंगे, उनकी झलक हमारे हृदय सिंहासन पर दिखाई देती रहेगी, और हम ये नहीं कह पाएंगे कि राज्य हमसे दूर है। इसी आधार पर महामती जी की आत्मा कहती है कि राज्य आप मेरे से बस में हो गए हो, मेरे से अलग कैसे हो पाओगे। सनमंदिनो रंग नेहचल सांचो हूं, जी हां हूं तिहा तमे आओ। मैं कौन हूं? मूल संबंध के कारण मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं कोई दासी नहीं हूं आपकी। सुंदर साची समाज में प्रक्रिया कुछ और चलती है, हमें क्या मानना चाहिए? जो वाणी कहती है, जो वित्त कहती है। जब वाणी अवतरित हो रही थी उस समय वैष्णव संप्रदाय का बहुत प्रचलन था, और वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत होता है कि नाम के आगे दास शब्द लगाना, इसलिए जो भी ब्रह्मुनि हुए सबके नाम के आगे दास शब्द लगता है। मुकुंद दास, लाल दास, भीम दास नहीं होता है, भीम भाई होता है। कहीं भी भीम दास शब्द नहीं है, लाल दास जी के लिए लाल दास शब्द प्रयोग किया, गरीब दास, वो प्रक्रिया चल गई। आप देखेंगे कि जो बैरागी भेष धारण कराया गया उस समय की प्रचलित वेशभूषा कई संप्रदायों के लिए गई, जैसे जो सिर और दाढ़ी के बाल मुड़वाए गए इस संन्यास मत के अनुसार, जो नीचे तक अल्फी पहुंची गई ये बैरागियों के अनुसार, और जो ये तुम्बा लिया गया हर पंथ में से वैरागी की कुछ कुछ भेष लेकर हमारा श्रृंगार बनाया गया उस समय। उसी तरह से वैष्णव संप्रदाय की मान्यता के अनुसार जो दास लगाया जाता था वो शब्द जुड़ा, लेकिन वितक में क्या लिखा है? कुलमूल हमारो आनंद है, हम आनंद स्वरूप श्यामा जी के अंग हैं, हम आनंद स्वरूपा हैं, आनंद स्वरूपा थे, हैं और रहेंगे। हमें दास भक्ति में नहीं खोना है, ये ठीक है उस समय की प्रचलित परंपरा के अनुसार दास शब्द लगाया गया। किरंतन में एक चौपाई आती है, ले रोशनी दौड़े दासान उदास, दासों का दास कौन होगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, पति का शरीर अस्वस्थ हो जाए, लूज मोशन इतने लग जाए कि कपड़े पर कपड़े बदलने पड़े, तो नौकर या नौकरानी को घृणा हो सकती है, पत्नी को घृणा नहीं होगी जो सच्ची साध्वी होगी तो, क्योंकि वो कौन है? दास की भी दास है, दास बनना कठिन होता है, दास को पैसे पर रख सकते हैं
और पत्नी ऐसी है उसको पैसे भी ना दीजिए, फटकार भी लगाइए, घर से भी निकाल दीजिए, तो भी सच्ची पत्नी क्या कहेगी कि मैं अपने पति को क्यों छोड़ूं? बिना कुछ किए, बिना कुछ लिए सारी सेवा करेगी, वो क्या है? दासानुदास। संसार के जीव दास तो बन सकते हैं, दासानुदास नहीं बन सकते, और जो दासानुदास है वो ब्रह्मात्मा है और वो आनंद स्वरूपा है। इसलिए सदाशिव संगता में कहा कि आनंद रूपा या सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता, आनंद रूपा है हम। और तभी महामती जी की आत्मा कहती है, सनमंदिनो रंग नेहचल साचो जिहा हूं तिहा तमे आओ, मैं आपकी प्रियंगना हूं, ब्रह्मांगना हूं, आपकी हृदय श्री हूं, प्राणिंग श्री हूं, अब मैं जहां हूं चल करके मेरे पास सीधे आ जाओ, क्योंकि आप मेरे अधीन हो। कौन कहेगा जिसने अपना हृदय दे दिया हो? हम राज्य को क्या मानते हैं? सबको मालूम है, सब अपने भाव को जानते हैं, हम प्रेम के भाव से तो नहीं मानते ना, एक भय के कारण मानते हैं कि यदि कुछ सेवा में त्रुटि हो गई तो हमें दंड मिल जाएगा। भाव रखना चाहिए, सेवा में आलस नहीं बरतना चाहिए, जितनी स्वच्छता से भावना से कीजिए, लेकिन जहाँ प्रेम का प्रसंग होता है वहाँ भय करना बंद कीजिए, अपने अधिकार को समझिए। ऐसी कोई रात न बीती जिसमें आपने अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में पुकारा ना हो, और जब उन्हीं प्रेम के भावों में आप डूबते जाएंगे तो आप भी इस दावे के साथ खड़े हो जाएंगे, मारा वस की धल वाला रे मोसू अलका केम करितासो, आप तो मेरे प्रेम के बस में हो। जो प्रेम के बस में होता है वही तो अक्षरातीत होता है। संसारी प्राणी कभी प्रेम की डगर पर चलता ही नहीं। आप देखते हैं संसार के पति पत्नी, जरा सी बात होती है पत्नी को धक्का देकर निकाल देते हैं, क्योंकि वो वासना के पुत्र हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार घृणा की अग्नि में चल रहे हैं, इसलिए वो तो बहिष्कार करेंगे। जो प्रेम का सागर है वो अपने प्राणेश्वरी को कैसे निकाल सकता है? सूर्य से तेज निकाल दीजिए, सूर्य समाप्त, चंद्रमा से शीतलता निकाल दीजिए, चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त, इसलिए वो चाहकर भी आपको निष्कासित नहीं कर सकता है। आप डरिए नहीं, मैंने एक राबिया का नाम लिया है कई बार, राबिया एक सूफी फकीर थी, उसने कहा कि मेरा बस चले तो जन्नत को ही चला दो, क्योंकि ये सारे मुसलमान जन्नत के लोभ में 5 बार दंड बैठक करते रहते हैं, इनको अल्लाह से कोई प्रेम नहीं है, इनको दोजख में जाने से डर लगता है और जन्नत का लालच रहता है, इसलिए नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इनको अल्लाह से कोई प्रेम नहीं। इसलिए राबिया कहती है कि अपना दिल निकाल कर हृदय पर रख दो और दे दो अल्लाह को, अल्लाह स्वीकार कर लेगा। हम दिल निकालना ही नहीं जानते, दिल देना ही नहीं जानते, तो चितवनी कहाँ से लगेगी? इसलिए सब कुछ छोड़कर जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस, प्रेम ये गम अलग की करी तले खोली चक, ये चौपाई मैंने कल भी शायद कही थी। आप दिव्य प्रेम के मार्ग पर चलिए, उस प्रेम पर जिसमें कोई तृष्णा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, हृदय का विशुद्ध समर्पण हो, और आप भी हृदय गुनगुनाया कीजिए, मारा वस की धल वाला रे मुसुवल का केम करिता सो। अब मेरा समय पूरा होता है, चौपाई दो रहेंगे, चौपाई दो रहेंगे। ए तू नहीं अटकल नी ओलखण, जे तत्क्षण रंग पलटाओ, सनमंधिनो रंग नेह चल साचो, जी हाँ हूँ तिहा तमे आओ, जी हाँ हूँ तिहा तमे आओ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।